रामनवमी को लेकर राजधानी पटना पूरा भक्तिमय हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं पटना के महावीर मंदिर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और यहाँ मंदिर में जो है राम मंदिर जो है भजन बलि का मंदिर जो है उसमें लोग जो है वो दर्शन कर रहे हैं। भक्त लगातार कतार में आ रहे हैं। यह मंदिर जो है लगभग 2 बजे से खुली हुई है और लगातार भक्त की जो कतार है वो आ रही है। लगभग लाखों लोग जो है वो दर्शन करने के लिए मंदिर में आए हैं। वही बात कर लिया जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और जो भी भक्तगण हैं, जो महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं। महिलाओं के लिए अलग कतार बनाया गया है और पुरुषों के लिए जो है अलग कतार बनाया गया है। लोग जो हैं जय श्री राम के नारे से पूरी मंदिर जो है वो गूंज उठी है। पूरी राजधानी की बात कर लिया जाए तो वो गूंज उठी है और लगातार जैसा कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ा है और काफ़ी भक्त में माहौल हो चुका है। कहाँ से आए हैं? नवतपुर से आए हैं। कब से लाइन में लगे हुए हैं? करीबन 6:30 के आसपास। व्यवस्था बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ये हाँ पहली बार है, कहना चाहते बहुत अच्छा लग रहा है और अगला बार से और आने की कोशिश करते रहेंगे और भगवान का दर्शन करते रहेंगे। करीबन 6:30 के आसपास लगे थे। तो बिल्कुल आपने जैसा सुना कि लोग जो हैं 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे और अभी जो है दर्शन जैसे ही पट खुला है लोग दर्शन के लिए बेताब हो गए हैं और लगातार जो कतारें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही है। जो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जय श्री राम के नारों से पूरी राजधानी जो है वो गूंज उठी है। खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मैं चंदन तिवारी, पटना। रामनवमी को लेकर राजधानी पटना पूरा भक्तिमय हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं पटना के महावीर मंदिर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और यहाँ मंदिर में जो है राम मंदिर जो है भजन बलि का मंदिर जो है उसमें लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। भक्त लगातार कतार में आ रहे हैं। यह मंदिर जो है लगभग 2 बजे से खुली हुई है और लगातार भक्त की जो कतार है वो आ रही है। लगभग लाखों लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए मंदिर में आए हैं। वही बात कर लिया जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और जो भी भक्तगण हैं, जो महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं। महिलाओं के लिए अलग कतार बनाया गया है और पुरुषों के लिए जो है अलग कतार बनाया गया है। लोग जो हैं जय श्री राम के नारे से पूरी मंदिर जो है वो गूंज उठी है। पूरी राजधानी की बात कर लिया जाए तो वो गूंज उठी है और लगातार जैसा कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ा है और काफ़ी भक्त में माहौल हो चुका है। कहाँ से आए हैं? नवतपुर से आए हैं। कब से लाइन में लगे हुए हैं? करीबन 6:30 के आसपास। व्यवस्था बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ये हाँ पहली बार है, कहना चाहते बहुत अच्छा लग रहा है और अगला बार से और आने की कोशिश करते रहेंगे और भगवान का दर्शन करते रहेंगे। करीबन 6:30 के आसपास लगे थे। तो बिल्कुल आपने जैसा सुना कि लोग जो हैं 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे और अभी जो है दर्शन जैसे ही पट खुला है लोग दर्शन के लिए बेताब हो गए हैं और लगातार जो कतारें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही है। जो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जय श्री राम के नारों से पूरी राजधानी जो है वो गूंज उठी है। खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मैं चंदन तिवारी, पटना।